मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही सारगर्भित है, बहुत आवश्यक है, समसामयिक है और खासकर बच्चों पर। आज प्रायः हर अभिभावक को, हर गार्जियन को अपने बच्चे की शिक्षा के लिए जागरूकता भी है, चिंता भी। हर गार्जियन ये चाहता है बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा होती है किस विषय में ले। बहुत से लोग, अधिकतम लोग साइंस में, गणित में, टेक्नोलॉजी तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में प्रवीण हो सकता है शिक्षा। इसके लिए वीडियो देना आवश्यक है। यद्यपि मैंने कई वीडियो दिया है इस पे, लेकिन आज हम खासकर बुद्ध प्रधान बच्चे की बात कर रहे हैं। बुद्ध प्रधान बच्चा का मतलब जिसका शिक्षा का संबंध बुद्ध से। केपी सिस्टम में शिक्षा के क्षेत्र को चतुर्थ स्थान से देखा जाता है, कुंडली का चौथा स्थान देखिए, जबकि अन्य ज्योतिष में, प्रचलित ज्योतिष में पंचम भाव से इसको देखा जाता है। उस पर विस्तार पे नहीं जाना है, बहुत बार हमने चर्चा किया है। आज का टाइटल है बुद्ध प्रधान बच्चे को किस क्षेत्र की शिक्षा दी जाए। विच एरिया शुड बी टॉट टू ए मरकरी ओरिएंटेड चाइल्ड। जी हाँ मित्रों, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, अधिकतम मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर दें। आते हैं मूल टॉपिक पर। हमने कहा है कि बुद्ध प्रधान बच्चे, आपको एक संदेह पैदा हो सकता है कि बुद्ध प्रधान कौन बच्चा है, बृहस्पति प्रधान। मित्रों, हर क्षेत्र की अलग अलग प्रवीणता होती है। बुद्ध प्रधान शब्द इसलिए आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ग्रह जो है प्रभावी है बच्चे। तो आज हम केवल एक ग्रह की बात करते हैं, बुध प्रधान। जबकि नौ ग्रह हैं, नौ ग्रहों की प्रधानता होती है और चतुर्थ स्थान के उप नक्षत्र स्वामी यानी सब स्टार लॉर्ड को देखा जाता है। कस्पल सिग्निफिकेटर्स में आप देखेंगे तो चतुर्थ का सब लॉर्ड आपको मिल जाए, उप नक्षत्र स्वामी कौन ग्रह। तो जिस बच्चे का चतुर्थ का उप नक्षत्र स्वामी बुध हो या वह उप नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह के नक्षत्र में हो, हम उसी से संबंधित बात आपका आज कर। आपका तर्क होगा, सवाल होगा कि अन्य बच्चों के बारे में क्या सवाल है। मित्रों, एक टॉपिक आज हम दे रहे हैं, अन्य ग्रहों पर भी बारी बारी से वीडियो देंगे, क्योंकि अगर सभी ग्रहों पर एक साथ दें तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो और आपके समझने में भी परेशानी। तो चतुर्थ स्थान का उप नक्षत्र स्वामी या फोर्थ का सब स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड के लिए आवश्यक है वो बुध हो। अब मेरी बात को समझ, मरकरी अथवा बुध नहीं है, कोई अन्य ग्रह है तो वह बुध के नक्षत्र में, तो बुध प्रधान उसको माना जाएगा शिक्षा के मामले। और चतुर्थ का सवलाड किसी न किसी प्रकार से 4, 9, 11 भावों का सिग्निफिकेटर जरूर है, क्योंकि ये चौथा स्थान, नौवां स्थान और ग्यारहवां ये शिक्षा के लिए आवश्यक है। चौथा स्थान स्कूली शिक्षा का है, नौवां स्थान उच्च शिक्षा का है और ग्यारहवां स्थान इच्छा पूर्वक सफलतादायक। ये तीनों हो या चतुर्थ का सब लॉर्ड 4, 11, 9 में से किसी भाव का कार्येश हो तो संतोषजनक होता। अब बुध जिसका चतुर्थ का सब लॉर्ड हो या चतुर्थ का सब लॉर्ड बुध के नक्षत्र में हो तो बुध से संबंधित विषय की शिक्षा जवाब दो, तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा, सफलतापूर्वक खेलेगा, फलेगा। नहीं तो उसकी इच्छा के विपरीत और उसके कैपेसिटी के विपरीत, उसके नेचुरलिटी के, प्रकृति के विपरीत जब विषय दे दिया जाएगा तो ये भी हमारी आपकी एक कमी होगी और बच्चा आगे जाके पढ़ नहीं पाता। तो ज्योतिष में भी इस विषय का आकलन है मित्रों। यद्यपि याद तो हर विषय का टेस्ट होता है, जिसमें बच्चा अच्छा हो
उसी क्षेत्र में ले जाइए हो तो अलग विषय, लेकिन ज्योतिष के आईने में अगर हम इसको देखते हैं तो शिक्षा का एक तो बुध प्रधान व्यक्ति या बुध प्रधान बच्चा जिसके चतुर्थ का सब लॉर्ड बुध होता है वो अपने आप में एक अच्छी बात है, एक क्वालिटी है, एक गुण है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। ये बुद्धिमान होता है बच्चा, और बुध जो है बहुआयामी ग्रह है शिक्षा के मामले में। बुध का जैसे नाम है बुध, उसी तरह से बुद्धि प्रवीण होता है वो बच्चा। और बुध जिसका चतुर्थ का सम्राट होता है उसके शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। विषय बुध के आप जान लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा किस क्षेत्र में बच्चे को हम ले जाए। यद्यपि बुध कई शास्त्रों का ज्ञान कराता है, आप गणित भी पढ़ा सकते हैं, साइंस भी पढ़ा सकते हैं, और आर्ट विषय भी कला क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं, लेकिन मेन विषय उसके जो है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। बुध का मेन काम है गणित, गणितीय होता है। गणित भाषा, कोई भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, व्याकरण, व्याकरण से आप ग्रामर से परिचित, तत्व तो ज्ञान, टाइपिंग, टाइपिंग का विषय बुध से ही होता है, शॉर्ट हैंड ये भी टाइपिंग से रिलेटेड है, मौसम विज्ञान जो है ये बुध से रिलेटेड है, और छपाई का काम जो प्रेस वगैरह का काम चलता है, प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन का काम जो होता है, पब्लिशिंग का काम होता है, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र एक होता है एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, टूरिज्म, टूरिज्म आवागमन जो वाला होता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, कानून, लॉ, LLB की पढ़ाई भी इसी के अंतर्गत आती है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर वगैरह जो होते हैं, एंकर वगैरह होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, ज्योतिष जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पे आज बात कर रहे हैं, ये भी इसी के अंदर आता है, संदेश वहन, संदेश वहन जो होता है ये आपका आज का युग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यही है सूचना तंत्र, पत्रकारिता, पत्रकारिता आप जानते ही हैं, आप तो सबको पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लिपि संशोधन के क्षेत्र में, सिक्कों के तक जानकार, वायु गैस से संबंधित जो भी शास्त्र है जुड़े हुए साथ, और एक से अधिक शास्त्रों का ज्ञाता होता है बुध। अगर इन शास्त्रों और विषयों में से कोई विषय लेके उसको आप चलेंगे तो बच्चा उस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करेगा और उस क्षेत्र में ऊंचाई पर जाएगा, अच्छी डिग्री हासिल करेगा और अच्छी सर्विस हासिल करेगा, अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा, अच्छा क्षेत्र अर्जित करेगा। और इसके विपरीत अगर आप शिक्षा दोगे तो उसके प्रकृति के विपरीत होगा और वो उसमें भटक जाएगा, अटक जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो मित्रों आज हमारा विषय यही था कि बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों की शिक्षा अगर शुरू से हमने ठीक कर दिया लाइन तो उनका कुंडली देखवा करके, और आप ये जरूर जान लीजिए कि बच्चा कौन सा किस ग्रह के प्रधानता है। बहुत से मित्र हैं कहेंगे अन्य बच्चे क्या हैं, तो मित्रों आप हमसे फोन से, व्हाट्सएप पे संपर्क करके और हमारे प्रासेज के अनुसार आप बच्चे के शिक्षा के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी ले सकते। अंत में चूंकि ट्रैफिक बड़ा न हो और आज का विषय थोड़ा भले छोटा था लेकिन बहुत ही आवश्यक था, इस नाते हमने आज ये ट्रैफिक दिया है, आशा है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः शुभकामनाएं।